खबर वडोदरा से सामने आ रही है। दरअसल मुंबई एटीएस वडोदरा शहर में आ पहुंची है और मेमन हॉल के नीचे मौजूद ऑप्टिकल की दुकान में मुंबई एटीएस की ओर से जांच की जा रही है। कल रात को मुंबई एटीएस की टीम ऑप्टिकल की दुकान में पहुंची थी। ईमेल के जरिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को धमकी देने के मामले के मद्देनजर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसी के तहत मुंबई एटीएस वडोदरा पहुंची है और वडोदरा शहर की एसओजी और क्राइम ब्रांच की टीम भी मुंबई एटीएस के साथ इस मामले की जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि लाड़वाड़ा इलाके में मेमन हॉल के नीचे जो ऑप्टिकल की दुकान मौजूद है, वहां पर कल रात को सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सूत्रों के आधार पर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरोपियों की ओर से ऑप्टिकल के मालिक का फोन इस्तेमाल किया गया था। इस प्राथमिक जानकारी के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।